जानेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपने आप में महाराष्ट्र में एक पहचान है, लेकिन उनके मंत्री से इस तरीके की हरकतें कुछ पची नहीं। दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे के मंत्री का बड़बोलापन सामने आया, जिसमें वो अपनी ही तारीफ करते नजर आए। इस दौरान मंत्री ने खुद को बाला साहेब ठाकरे और वाजपेयी से बड़ा बताया है। पंढरीच्या असाच एक दक्षिण काशी, दक्षिण अयोध्या नाही का, आम्ही एक सभा आयोजित केली होती आणि आपल्या हा सर्व समाज असेल किंवा हे आपल्या सोलापूर जिल्ह्यातील किंवा तमाम महाराष्ट्रातील जनतेला माहीत होतं, जे पटांगण आपण घेतलं होतं सभेसाठी ते स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी यांनाही भरलं नाही। आमचे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबजी ठाकरे यांच्याही सभा झाल्या, त्यांनाही भरलं नव्हतं। आडवाणीजी यांनाही भरलं नव्हतं आणि ती किमया ह्या पंढरीच्या नगरीमध्ये सावंत बंधूंनी 2017-18 दरम्यान 7 लाख लोकांचा मेळावा भरून करून दाखवला। वीर सावरकर गौरव यात्रा का आयोजन मुंबई की बोरीवली पश्चिम में बोरीवली विधानसभा के बीजेपी विधायक सुनील राणे के मार्गदर्शन में किया गया। इस यात्रा में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हाथों में झंडे लेकर शामिल हुए। ये सावरकर यात्रा कांग्रेस और राहुल गांधी के द्वारा वीर सावरकर के बार बार अपमान के विरोध में आयोजित की गई थी। भारतीय जनता पार्टी मुंबई की बोरीवली की ये पहली यात्रा है। हम सभी लोग यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं, हमारे नेता रघुनाथ जी हैं, महिला मोर्चा है और ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ऐसा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी ने देशभक्ति और देश प्रेम पे निष्ठा रखने वाली राजनीतिक दल है। हमारे लिए देश प्रेम पहले है और स्वतंत्र वीर सावरकर की विचारधारा को लेते हुए हम आगे चल रहे हैं। आज हजारों कार्यकर्ता पीछे जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी बोरीवली में ये शानदार यात्रा का। एक तरफ मुंबई में G20 समिट चल रहा और देश भर में, शहर भर में इसके बैनर लग रहे, वहीं G20 समिट वाले बैनर के चारों तरफ और ऊपर मोदी हाथों में देश बचाओ के पोस्टर लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और निरंकुशता के खिलाफ मोदी को सत्ता से हटाने का अभियान चला रही है। केजरीवाल की पार्टी ने इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। महाराष्ट्र पुलिस के एक पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली है। दरअसल पुलिसकर्मी ने रेलवे ब्रिज से कूदकर खुदकुशी की है। बताते चले कि हेड कांस्टेबल का नाम वैभव कदम है। बताते चले कि वैभव कदम पिछले महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान मंत्री जितेंद्र अवार्ड के सुरक्षा टीम में तैनात थे। बताते चले कि पुलिस हेड कांस्टेबल और जितेंद्र अवार्ड के पूर्व बॉडीगार्ड वैभव ने आत्महत्या क्यों की है अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है। सोलापुर जिले की समस्या सुनने के लिए पैदल मुंबई की ओर जा रहे शख्स से सीएम एकनाथ शिंदे खुद मिलने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उस व्यक्ति से मुलाकात की जो कई सारे प्रश्नों को लेकर सोलापुर से मुंबई पैदल आया था। तो वहीं जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस व्यक्ति के विषय में पता चला तो सीएम शिंदे खुद को रोक नहीं पाए और वे 72 वर्षीय अर्जुन रामगीर की आत्मदाह यात्रा का संज्ञान लेने पहुंचे और उस शख्स से खुद भेंट मुलाकात की जो सोलापुर जिले में विभिन्न लंबित नागरिक मुद्दों के तत्काल समाधान के लिए सोलापुर से मुंबई के लिए पैदल चलकर आया था। मुझे कुछ व्यवसाय नहीं है,
पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे. 6 दिवसाला 5 दिवसाला फक्त 2 तास पाणी, नोकऱ्या नाहीत, विमानतळ बंद आहे, आय टी पार्क नाही. आज एक 10-15-20 वर्षापूर्वी असं म्हणत होतो की महारोगी दाखवा 1000 रुपये मिळवा. आमच्या सोलापूरमध्ये जेही सगळी जेवढी बी सुशिक्षित घरं आहेत त्यांच्या घरातली मुलं नोकरीसाठी पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोरला. महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बीती रात 2 समुदाय के लड़कों में घोषणाबाजी को लेकर हुआ विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए. इस दौरान दोनों समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, तो वही गुस्साए लोगों ने 20 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिससे पुलिस की जो गाड़ियां थी वो भी इसमें शामिल थी, जलकर राख हो चुकी है. जोड़कर आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आज देखिए, रमज़ान का महीना चल रहा है, आज रामनवमी का दिन है, यकीनन दो बड़े त्यौहार हैं. आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, मेहरबानी करके ये दोनों त्यौहार सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. अगर हिंदू भाई रामनवमी मना रहे हैं तो रमज़ान हमारे लिए भी उतना महत्वपूर्ण है. मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हमारे इस मुबारक महीने को ख़राब मत करिएगा. उसमें चंद नौजवानों लोगों के जोश की वजह से, जो हरकतें वो कर रहे हैं उसकी वजह से पूरे शहर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई, मेहरबानी करके अपने अपने घरों को जाइए और किसी भी तरीके से शहर में. मुंबई की बोरीवली रेलवे स्टेशन पर परीक्षा देने जा रही छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की गुत्थी को मुंबई जीआरपी पुलिस ने सुलझा लिया है. इस मामले में जीआरपी ने एक भजन गायक को विरार के फूलपुर इलाके से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए भजन गायक बोरीवली इलाके में एक भजन के कार्यक्रम से विरार लौट रहे थे. इस दौरान पुलिस ने, हालांकि बोरीवली जीआरपी ने विरार से गिरफ्तार कर लिया है. छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में भजन गायक को गिरफ्तार किया गया है. 6 बजे के करीब एक फरियादी छात्रा बोरीवली रेलवे स्टेशन ब्रिज के ऊपर वेट कर रही थी, उसको कॉलेज को जाना था 7 बजे का. उसी वक्त इस केस के आरोपी ने उस महिला से, वो लड़की से बात करने के बहाने उसको, उसके पास बेंच पे बैठ गया और उसने लड़की को कमर को हाथ लगा के छेड़खानी की. उसके बाद लड़के वहाँ से डर के मारे भाग गई, तो उसने उसका फॉलो करके उसको पीछे से जाके उसको पकड़ने की कोशिश किया और उसके बाद वो वहाँ से भाग निकला. हमारे टीम ने हमारे पुलिस स्टेशन में एफ आई आर रजिस्टर होने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस केस का जो वॉन्टेड आरोपी था उसको विरार रेलवे स्टेशन पे हमारे टीम ने उसको ताबे में ले लिया. बीजापुर से खबर है, बताते चले कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी तंज लगातार जारी है. दरअसल विधायक विक्रम के ब्लैकमेलिंग आरोपों के बाद पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि आरोप सिद्ध करें, नहीं तो मानहानि का केस दर्ज किया जाएगा. स्पष्ट है कब से कब डला हुआ है, कब का है. हम जब आरोप लगा रहे हैं तब भी जो है आज शासन इनका है, प्रशासन इनका है, पुलिस इनके पास है, विभाग इनके पास है, तमाम चीज की कांग्रेस है और सरकार कमेटी बनाते, कमेटी ने जांच क्यों नहीं किया. हम तो पिछले 6 महीने से आरोप लगा रहे हैं कि भुगतान नहीं हुआ है. विधायक क्या कर रहे थे, जांच क्यों नहीं किए. आज पूरा रिश्वत निकाले, हम तो चाहते हैं ना जांच होना चाहिए. आज प्रवर्तन जो भी आदमी हो, क्यों डला, क्यों निकाला, उस पर क्या उपयोग हुआ, उनके सफाई होना चाहिए. जांच के विषय है, जांच होना चाहिए, ये जांच का बिंदु है. इसको लेकर विधायक को जांच करना चाहिए था, क्योंकि एक डेट जो बताया जा रहा है इसमें 18 मई 2022 का है. हम जाके अब इसमें बात कर रहे हैं, एक इसमें लिखा 19 मई 2022 का है, मतलब सब 2022 के ट्रांजेक्शन है. तमाम चीज इसमें विधायक की जानकारी में था, डीएफओ की जानकारी में था, विधायक डीएफओ क्या कर रहे थे. इसका मतलब है विधायक डीएफओ तमाम लोग ठेकेदार से मिली भगत है. यहाँ के जो हरा सोना तस्करी में लगे हुए हैं, तस्करी करा रहे हैं. कुछ दिन पूर्व में भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री महेश राणा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करकर और जटा जाम आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस सरकार एवं कांग्रेस के विधायक के ऊपर यह आरोप लगाया था कि भैरवन बा की मजदूरी का भुगतान उन्होंने दबंग किया और वहां पर भुगतान नहीं हो रहा है. उस पर जब हमने जांच पड़ताल की, ठेकेदार से बात करी, तो ये मामला सामने आया कि पूर्व मंत्री महेश राणा जी ने अपने कुछ भाजपा के नेताओं के माध्यम से ठेकेदार को डरा धमका कर उन्हें ब्लैकमेलिंग करके अपने रिश्तेदार के खाते में लगभग 51 रुपया पारी पारी से उस खाते
नंबर पे डलवाया गया और डलवाकर उस पैसे का गबन किया। जगदलपुर से खबर है, बताते चले कि प्राइवेट स्कूलों की फीस की मनमानी को लेकर लगातार शिकायतें बढ़ रही। दरअसल शहर के सक्सेस कॉन्वेंट स्कूल में विद्यार्थियों की शुल्क जमा नहीं करने के कारण स्कूल प्रबंधन के द्वारा उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। परिजनों ने कहा कि स्कूल संस्थाओं के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। क्या है, मेरे यहाँ अभी उसका परिणीति चंदेल का दादी का भी तबीयत खराब है और इसीलिए क्या है थोड़ा फोन उन भी किए तो हम ध्यान नहीं दिए। और उसके बाद में क्या है, आज पेपर था, सर बोले कि नहीं मैं फ़ोन उन लगाया था, आप लोग नहीं उठा, लेकिन मैसेज नहीं आया है उसका दादू का मोबाइल में। और क्या है, मैं उसको लाई थी अभी स्कूल में तो परी को पेपर में नहीं बिठाए, बाहर ही रख दिए थे उसको, बाहर कर दिए थे। फिर उसके बाद में मैं गई और अभी आ तुरंत बोले तो मैं थोड़ा उसके दादू के लिए रोटी वोटी बनाई, उसको भी तबीयत खराब है बोलते। फिर उसके बाद गई थी सर पास, सर को बोली सर अभी पेपर के लिए बिठा लो और क्या बोलने से अभी अप्रैल में मैं पैसा पूरा 10,000 दे दूंगी, नहीं दूंगी नहीं बोल रही हूँ। और अगले महीना ये स्कूल से आए थे एक मैडम लोग और कोर्ट के पास 7,000 रुपये दी थी और यहाँ 3,000 जमा करी थी और कुछ नहीं। और वो किसको दिए किसको नहीं दिए मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानता ही नहीं स्कूल के बारे में। कोई भी अगर पैसा मांगेंगे तो क्यों देते हो, स्कूल सामने है बोले, लेकिन ये स्कूल से ही आए थे मैडम उसी को दी। ये हम लोगों के संज्ञान में लाने के बाद आप सबके माध्यम से बहुत जल्दी ही आड़ावाल का एक मामला आया था, इसको लेकर हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी से मिले थे और हमने सख्त हिदायत दी थी कि ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा। सारे जितने निजी संस्थान स्कूलें हैं ये सारे लोग बड़ी मोटी रकम शिक्षा विभाग को पहुँचाते हैं, ये प्रमाणित होता है किसी बच्चे को। अरे RTI कानून के अंतर्गत कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता, आप परीक्षा से उसको वंचित कैसे कर सकते हैं? ये हमारा सीधा सीधा आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी की मिली भगत से ये शिक्षक संस्थाएं इस तरह की हरकतें करने में, पालकों को मजबूर करने में और बच्चों को पेपर से वंचित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ये अपराध की श्रेणी में आता है। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बैठकें PCC में नहीं कमलनाथ जी के घर पर ही होती हैं, इसलिए पूरी कांग्रेस बैठ गई। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वचन पत्र के लिए बैठक करने की जरूरत नहीं, पुराने वचन पत्र की तारीख और पोस्टर बदलकर फिर से तंत्र पत्र को जारी कर देना चाहिए। और विश्व के नेता परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी 1 तारीख को मध्य प्रदेश की धरा पर पधार रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कि हमारे राष्ट्र को या जो कहे राष्ट्र निर्माण के शिल्पी पधार रहे हैं, उनका वंदन है अभिनंदन है। कमांडर कॉन्फ्रेंस में वो पधार रहे हैं, आज शाम को 6 बजे केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और उनके राज्य मंत्री और उनकी टीम भोपाल में शाम को आएंगी और फिर वो यहां पर रुकेंगे भी 2 दिन और तीनों सेना के अध्यक्ष भोपाल आ चुके हैं और अपने आप में ये कार्यक्रम आर्मी की दृष्टि से काफी देश के लिए राष्ट्र के लिए। दिल्ली नगर निगम MCD के विशेष बजट सभा में निगम का बजट पास हो गया। विपक्षी BJP की तरफ से 11 प्रस्ताव लगाए गए थे, इनमें से सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया। प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा की है। BJP नेताओं ने कहा कि हाल ही में संपन्न नगर निगम चुनाव में दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज से जुड़े रोहिणी, द्वारका, पड़पड़गंज, मयूर विहार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में
मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को नकारा था, तो वहीं अनाधिकृत कॉलोनियों में भी आम आदमी पार्टी को उसकी अपेक्षा के अनुसार सफलता नहीं मिली। शायद इसी कारण से आज मेयर डॉक्टर शैली ओब्रॉय और आम आदमी पार्टी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज और अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास से जुड़े बीजेपी के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। था दिल्ली नगर निगम के अंदर और बहुत आशाओं के साथ हमने पूरा बजट पढ़ा था, एक एक हेड पढ़ा और किसमें पैसा ज़्यादा है किसमें कम है और नई योजनाओं के हिसाब से कहाँ है, तो हम पूरी स्टडी करके गए थे। लेकिन निराशा ये हुई कि सत्ता पक्ष ने कुछ प्राइवेट प्रस्ताव रखे जिनका जो है मतलब ये कागज़ के पुलिंदे थे जिनका कोई महत्व नहीं है, और दूसरा उन्होंने बजट पर कोई बात ही नहीं रखी, और तीसरा जो कट मोशन हम लेकर आए कि जैसे मैं दो एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे इस समय कोरोना काल के बाद से कुत्तों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और मेयर और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने चिंता व्यक्त करके कहा कि नहीं हम कुत्तों को पकड़ने की गाड़ियाँ बढ़ाएंगे, उनके बांधेकरण के सेंटर बढ़ाएंगे और पैसा देंगे, लेकिन जब बजट के हेड्स देखे तो पिछले 4-5 साल से जितना पैसा था उतना ही पैसा उसमें रखा हुआ, जबकि पैसे को डबल करना था और वो इन्होंने नहीं किया। तो अगर पैसा ज़्यादा आ भी जाता है तो उसे निगम इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो कैसा बजट। ऐसी जो हमारा पशु है गायें हैं जो आसपास घूम रही हैं, मुख्यमंत्री ने बोला मतलब ये है कि हम इस फंड से निकाल कर उस फंड में देना चाहते हैं और अगर अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो ये अधिकार है हाउस के पास, लेकिन सत्ता पक्ष ने ना तो कट मोशन लाया ना ही अमेंडमेंट लाया है, तो ये दर्शाता है कि ये लोग इस बजट के पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने उसको पूरी करतल ध्वनि के साथ जो पास किया है, हम लोग उसके विरोध में थे, हमने इसीलिए 1100 जनता के जुड़े हुए हित के विषय थे उनको हमने उठाया, और ऐसी हमने कोई भी ऐसी बात नहीं करी जिसमें कोई पॉलिटिकल बात हो, तो उसमें मेरे हिसाब से तो मैं समझता हूं कि राजनीति केवल इतनी होती है लेकिन जनता के ऊपर राजनीति नहीं। रेवाड़ी से खबर है, बताते चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेसी संसद से लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के पास धरना देकर अपना विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। महात्मा गांधी जी के यहाँ फिर हमने फूल माला चढ़ाकर हम यहाँ से निकलेंगे और 1 अप्रैल को हिसार के अंदर हम लोग जो है स्टेट लेवल ओबीसी एसटी माइनॉरिटी का कन्वेंशन होगा और उसमें हम लोग सब वहाँ पर एक अधिवेशन हम वहाँ कर रहे हैं जिसमें एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को हम बुलाएंगे और वहाँ पर भी ये मुद्दे बहुत हैं क्योंकि मैं इस पर मैं अपनी स्पीच में मैं बोलूँगा सारी बातें जो बातें कहनी हैं। आपको इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है लोकतंत्र को समाप्त कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये लोग जो हैं एक व्यक्ति से डर गए हैं और इनको डर यही सता रहा है कि 2024 में चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में, आपके मध्य प्रदेश में। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली ने पंजाब के लगातार बिगड़ते हालातों के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अगर अमृतपाल सिंह के मामले में समय रहते कार्रवाई होती तो पंजाब के लोगों में डर का माहौल नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि यह भगवंत मान की बहुत बड़ी नाकामी है जो पंजाब में आग लगाने वालों को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे हैं। कोटली जी जो साबका मंत्री पंजाब साढ़े तो सुनाए तो कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हल्का इंचार्ज रुपिंदर सिंह राजा गिल लखबीर सिंह जी लखा जो साबका विधायक ने पैल तो साढ़े जिले के प्रधान ने उन्हों का मैं बहुत धन्यवाद करता जिन्होंने मेरे पर विश्वास करके मैं कांग्रेस पार्टी का शहरी का प्रधान बनाया। मैं पहला भी पूरी तनदेही काम कर रहा, मैं 2002 तो कांग्रेस पार्टी ने जुड़िया। बठिंडा से खबर है, दरअसल बठिंडा जिले के गांव माईसर खाना में साल में 2 बार लगने वाला माता दुर्गा का मेला दुनिया में एक ऐसा मेला है जो हिंदू सिख एकता का प्रतीक है।
इस मेले में देश विदेशों से बड़ी संख्या में माता के भक्त यहां पर पहुंचते हैं और माता के गुणगान भी करते हैं। सारे मेला ग्राउंड की सारे पिंड की जो सफाई है वह हफ्ता पहला शुरू कर दी जाती है। जो पंचायती जगह बाहर जितने दुकाना लग गई उन्होंने टेंडर होते ठेका होता है वो ठेका पंचायत के खाते जाता ब्राह्मण सभा का ब्राह्मण सभा के खाते जाता जो बंद तो बहरली जगह वो पंचायत की है वो जी कराई होती है पंचायत। अज माता माइसरखाना मेला छठ के उपलक्ष्य के बहुत भारी मेला माता माइसरखाना मेले भरता है जिते बहुत दूर दूर तो श्रद्धालु बख बख स्टेटा तो श्रद्धालु इतने पहुँचते हैं। तो अज जो असं ये भंडारा लाया है ये साडा 15वां भंडारा है। तो हर साल के दो नवरात्रे जोड़े लगते हैं उन्होंने असी यह भंडारा लाने हैं। साड़ी एक संस्था श्री शाम सेवा मित्र मंडल मोड़ वालों ये भंडारा स्पैशली जोड़े भगत इतों दूर दूर तो मानसा भिखी सुनाम पैदल माता के दर्शनों के लिए आते हैं तो उन्होंने रस्ते दे विच कोई भी प्रबंध ना होने कारण असी यह भंडारा शुरू किया। तो बहुत 15वां भंडारा साडा अज यह चल रहा है। असी बहुत स्टेटा तो इतने लोग देखते हैं वख वख लोगों दी जिहड़ियां इच्छावां माता माइसरखाना मेले दे विच पहुँच के पूरियां होंदियां। पटियाला का सरकारी राजेंद्रा अस्पताल अक्सर ही सुर्खियों में रहता है। उत्तरी भारत का बड़ा हिस्सा होने के कारण यहां पंजाब के अलावा अन्य राज्यों के मरीज भी इलाज करवाने आते हैं जिसके कारण अक्सर यहां नए नए मामले देखने को मिलते हैं। अब जो नया मामला सामने आया है जिसमें टूटी हड्डियों और हड्डियों से जुड़ी अन्य बीमारी का इलाज करवाने वाले मरीजों का कहना है कि लंबे समय से वो पटियाला के अस्पताल में रह रहे हैं लेकिन उन्हें ऑपरेशन का समय देकर उनका ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। इसके अलावा मरीजों ने यह भी आरोप लगाए कि महंगी दवाइयां बाहर से मंगवाई जा रही हैं और सिटी स्कैन की सुविधा होने के बावजूद भी प्राइवेट लैब से महंगे रेटों पर सिटी स्कैन बाहर से करवाए जा रहे हैं। तरीक लाओ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 9 ਮੇਜਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ 9 ਇੱਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਈਨੀ IENT ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਔਰਥੋ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰਥੋ ਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿੰਦਰਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਰੀਫਰੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਇਨਫਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਲੱਤਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 8 ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਔਥਰ ਆਏ ਸਾਨੂੰ 4th ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਔਥਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 5 ਦਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਮਤਲਬ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਬਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੂਹਰਲੇ ਆ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਰ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਪਾਨਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ 'ਚ? 8 ਜੀ। ਅੱਛਾ, 8 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆ ਨੂੰ? 18-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਦੇ ਡਾਕਟਰ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫਿਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪੂਰੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।